उखराया रेल हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब कानपुर के रूरा में एक और बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आज सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 2 डिब्बे नहर में भी गिर गए हैं। इस हादसे में अभी तक 48 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। यह ट्रेन सियालदा से अजमेर जा रही थी, तभी सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जांच में इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन बाद में रेल मंत्रालय ने दावा किया कि घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई है, बल्कि 44 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने ट्विटर पर घायलों की लिस्ट जारी कर दी है। घटना के तुरंत बाद ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट ठप हो गया है, वहीं बहुत सी ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। वहीं इस हादसे में कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है, जिस पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कड़ी कार्रवाई की बात की है और घटना पर दुख जताया है। एक तरफ मोदी सरकार देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में रेल दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार ऐसे रेल हादसों से निपटने के लिए कोई सटीक इंतजाम क्यों नहीं करती। देखते रहिए डीबी लाइव।